साथ क्या खैरियत से होंगे। मैं हूँ ज़ियाउर रहमान, ज़िलज लाइफ फ़ैज़र। याद रखिएगा, आप स्कूल में पढ़े हैं, कॉलेज में पढ़े हो या यूनिवर्सिटी में, मेरे मुताबिक अगर मैंने बहुत सारी वीडियो में ये कहा, लिख के रख लें, ये कहीं काम नहीं आने वाला। जो स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी में पढ़ाया जाता ना, ये आज तक मैंने किसी के काम आते नहीं देखा। वो डेफिनेशन जो आपने फर्स्ट सेमेस्टर में याद की होती है, दूसरे तीसरे में बच्चे खुद भूल चुके होते हैं। मैं एक यूनिवर्सिटी में पढ़ा रहा हूँ, अगर फाइनल टर्म का सिलेबस बच्चों से कहें ना, मिड वाला सिलेबस फाइनल में शामिल कर लेते हैं, तो बच्चे तो कान खड़ा कर देते हैं, सर माफ़ी दे दो, ऐ काम ना करो। वजह क्या बोला कहते हैं सर, अभी दो महीने पहले की तो बात कहते बोल गए, कहाँ टेंशन में डाल रहे हैं सर। तो एफएससी में वही बच्चे साल साल की पूरी पूरी किताबें याद करते, साल बाद एग्ज़ाम देते, अब दो माह पहले वाला याद करके नहीं आप एग्ज़ाम दे सकते। ये बच्चे भूल जाते हैं जो पढ़ा होता है, वो चंद डेफिनेशन याद की होती हैं, जो चंद टर्मिनोलॉजी के अलावा कुछ पल्ले नहीं होता, कोई डेफिनेशन याद नहीं होती, बच्चे से लिखवा के चेक करनी। वो जिस डिपार्टमेंट में पढ़ रहे हैं ना, उसे केमिस्ट्री की डेफिनेशन लिखवा के देख ले, 50 बच्चे बैठे होंगे, आपको लग पता जाएगा कि यहाँ किस भाव बिक रही है। ये जो यूनिवर्सिटी की फीसें दे रहे हैं, कॉलेज की फीसें, ये तो डिग्री लेने के लिए, वो कागज़ का टुकड़ा लेने के लिए, क्या ये काम आने वाला कल? नहीं, इनको क्या काम आएगा? इंटरव्यू के लिए जाएंगे तो क्या चीज़ काम आएगी? याद रखिए, बहुत सारे लोग पूछते होते हैं इंटरव्यू में जॉब देने जाएं, तो वो कहते हैं जी कोई भी जॉब है, कहते हैं जी एक्सपीरियंस है कि नहीं, बच्चे को कुछ आता है कि नहीं। अब भैया हम तो अभी डिग्री लेके निकले, हमारा तो कोई एक्सपीरियंस ही नहीं है, तो हम क्या करें? ये लोग अक्सर शिकवा करते मिलेंगे आपको नौजवान। मैं आपको मज़े की बात बताऊँ, जो लोग इंटरव्यू ले रहे होते हैं ना, पता उन्हें भी है कि जब हम भी डिग्री लेके निकले थे ना, पल्ले हमारे भी कुछ नहीं था, तो पल्ले इनके भी कुछ नहीं है, फिर वो इंटरव्यू क्यों लेते हैं? मतलब वो इंटरव्यू ये जानने के लिए लेते हैं कि ये बंदा इस काबिल है कि या नहीं कि कल को हमारी कोई प्रोडक्ट बेच सके, हमारी इंडस्ट्री को चला सके,